राजस्थान में आज अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे सचिन पायलट। जयपुर में सुबह 11 बजे शहीद स्थल पर धरने पर बैठेंगे। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने पर गहलोत सरकार को घेरा। सीएम गहलोत पर एक्शन नहीं लेने का लगाया आरोप। सचिन पायलट के मुताबिक वसुंधरा राजे सरकार को लेकर सीएम गहलोत से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ बताया। कहा, इस मुद्दे पर पायलट से मुझसे कभी बात नहीं की। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट से की अपील। सार्वजनिक मंच की जगह पार्टी मंच पर मुद्दे को रखने को कहा। पायलट को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया। सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत फिर से गर्म। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर पहुंचेंगे, सीएम गहलोत के साथ बैठकर मामले में डैमेज कंट्रोल की करेंगे अनशन। पायलट को अनशन को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव, इसे गहलोत के खिलाफ नहीं बल्कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ आवाज के तौर पर देखा जाना चाहिए। पायलट को मिला गहलोत के मंत्री खाचरियावास का समर्थन, सचिन की मांग को बताया सही। पवन खेड़ा का सचिन पायलट पर निशाना, का भ्रष्टाचार के मामले के साथ कैसे सरकार गिराने की साजिश हो रही है, इसकी भी जांच हो रही है। राजस्थान के सियासी संकट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, भ्रष्टाचार दोनों सरकारों में है। राजस्थान के मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, अपना घर संभल नहीं रहा, देश संभालने का सपना देख रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बटी नजर आती है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के वायनाड में करेंगे रोड शो, संसद की सदस्यता जाने के बाद ये पहला उनका दौरा। रोड शो के साथ अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के साथ रहेंगे मौजूद। सिबलिंग डे पर प्रियंका ने भाई राहुल के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा मेरा भाई सच बोलने से पीछे नहीं हटता। गुलाम नबी आजाद के बयान पर रविशंकर का राहुल से सवाल, पूछा विदेश जाकर किन बिजनेसमैन से मिलते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर तंज, कहा वक्त के साथ उनकी पीएम के प्रति वफादारी सामने आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी आज करेगी पूछताछ। ईडी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। सुबह 11 बजे होंगे पेश लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन को लेकर नौकरी देने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन, नमती मैदान में युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। अरुणाचल से गृहमंत्री अमित शाह का चीन को करारा जवाब, कहा सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। अरुणाचल का किबुथू भारत का आखिरी नहीं पहला गांव, पीएम की लुक ईस्ट नीति के कारण हालात बदले, पहले अशांत इलाका था नॉर्थ ईस्ट। अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन ने जताया एतराज, संप्रभुता को उल्लंघन बताया, कहा सीमा पर शांति के लिए ठीक नहीं है। कर्नाटक चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, सीएम बसवराज बोम्मई बोले हमने दोनों दिन की बैठक में 224 निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर गहन चर्चा की। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में जश्न मनाएगी, सीएम केजरीवाल पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आप सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर जताई खुशी, बोले मैं पार्टी के सभी स्वयंसेवकों को बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल के तौर पर लगाई मुहर। गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब यानी कि चार राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी बनी, आप इसी आधार पर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% से ज्यादा वोट शेयर जरूरी है, गुजरात में आपको 13% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। शरद पवार को भी चुनाव आयोग से झटका, पवार की पार्टी एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा छिना। चुनाव आयोग से सीपीआई और आरएलडी को झटका, दोनों दलों से स्टेट पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार, गोवा असम और मेघालय में उन्हें मुखी खानी पड़ी, ये तो होना ही था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले टीएमसी ने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन सिर्फ पैसा खर्च कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती। टीएमसी नेता सौगत राय बोले तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सी मुश्किलों को पार किया है और इसे भी हम पार कर। झारखंड में आज हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी, सचिवालय के सामने बीजेपी के नेता करेंगे प्रदर्शन। नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती की चुनाव आयोग से अपील, चुनाव ईवीएम से न करवाकर बैलेट पेपर से करवा। बीएसपी ने अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन का टिकट काटा, मायावती बोली परिवार के किसी सदस्य को नहीं देंगे टिकट। शायस्ता परवीन का टिकट कटने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य, अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी निकाय चुनाव भी लड़ेगी, पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय हो गई है, 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का साथी पपलप्रीत गिरफ्तार, पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया। पपलप्रीत पर एनएसए के तहत हुई कार्रवाई, पुलिस ने कहा 6 मामलों में वांटेड। मुख्तार अंसारी की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी, 19 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी सुनवाई। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, अतीक का आरोपी बेटा असद 15 दिन से दिल्ली में छिपा था, बमबाज गुड्डू भी साथ था।
दिल्ली पुलिस ने असद के तीन मददगार को किया गिरफ्तार, आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में वीएचपी के बंद के दौरान जबरदस्त हिंसा, भीड़ ने बेमतरा में एक घर में आग लगा दी, मकान के अंदर से ब्लास्ट की आवाज भी आई। झारखंड के जमशेदपुर में दंगे के बाद प्रशासन का एक्शन, दंगा प्रभावित इलाके से अवैध कब्जे को हटाया गया। जमशेदपुर हिंसा के मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार। देश में एक दिन में कोरोना के 5,880 नए केस आए सामने, पॉजिटिव केसों की संख्या 35,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 328 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या 4,500 के पार। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल की तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं छात्र, सीटीईटी और एसटीईटी पास उम्मीदवारों को भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में बैठना होगा। बिहार कैबिनेट में नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर मुहर, आयोग करेगा शिक्षकों की बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, अस्थायी टीचर्स को परमानेंट होने के लिए देनी होगी परीक्षा। डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, वादे के मुताबिक करीब 3,00,000 नौकरियां दी जाएंगी, हम काम कर रहे हैं पर बीजेपी हमें रोक रही है। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजुमदार ने राष्ट्रपति को लिखा खत, 4 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ जांच की मांग। बंगाल के हावड़ा में आईएसएफ विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे नौशाद सिद्दीकी। फ्रांस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, भारत के गौरवशाली इतिहास को याद किया। पीयूष गोयल ने कहा, अगर हम समय में वापस जाते हैं तो हमने अर्थव्यवस्था, ज्ञान, संस्कृति के संदर्भ में दुनिया में अहम योगदान दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट में पैसेंजर ने क्रू से मारपीट की, 2 मेंबर्स को लगी चोटें, लंदन जारी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट लौट। मारपीट करने वाले यात्री को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, मामले को लेकर की गई पूछताछ। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां का आरोप, पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में मिला शव, ट्रेन में फैली दहशत। शव की शिनाख्त की कोशिश जारी है, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आउटर नॉर्थ दिल्ली इलाके में कंट्री मेड हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी, 6 से 7 संख्या में हुआ बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, मेट्रो विहार इलाके के खेतों में मिला है ये हैंड ग्रेनेड। नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल फिर आया सुर्खियों में, मॉल के एक बार में राम रावण युद्ध से जुड़े संवाद को डब करके चलाने पर विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों ने पुलिस से क्लब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, धर्म का बताया अपमान। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने क्लब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, पूरे मामले की जांच जारी। विकास वालकर ने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बेटी श्रद्धा की मांगी बॉडी पार्ट्स, आफताब को फांसी की सजा की मांग की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ कार खरीदी, सलमान खान को हाल ही में ईमेल के जरिए जान से मारने की मिली थी धमकी। अलीगढ़ में बीजेपी युवा नेता विनय वार्ष्णेय ने तलवार से काटा बर्थडे केक काटने के बाद अवैध असलहे से फायरिंग की। भगवान श्री राम की पादुका पहुंची अयोध्या से नागपुर, रामेश्वरम तक जाएगी पादुका। केंद्रीय विदेश मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की पहल, दिल्ली में विदेशी राजनयिकों के लिए बैसाखी पार्टी की मेजबानी। वॉशिंगटन डीसी में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने का बड़ा अवसर। वॉशिंगटन डीसी में पाई के बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं चाहती हूं कि विश्व व्यापार संगठन और अधिक प्रगतिशील हो, सभी देशों को चुने। एलन मस्क ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया फॉलो, मस्क दुनिया में अब तक सिर्फ 195 लोगों को फॉलो करते हैं। अमेरिका के लुइस विले में बैंक में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 9 जख्मी। घायलों में पुलिस के 2 अफसर भी शामिल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर, बैंक का पूर्व कर्मचारी आरोपी है। पाकिस्तान के क्वेटा के कंधारी बाजार में विस्फोट, 4 की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर किया गया धमाका, 2 अधिकारी और 2 आम नागरिकों की मौत, टीटीपी पर ब्लास्ट का शक। लोगों के विरोध प्रदर्शनों के सामने झुके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का फैसला वापस लिया। नेतन्याहू ने कहा, कुछ मुद्दों पर हमारे बीच गंभीर असहमति थी, लोगों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखा। यूक्रेन और रूस ने की सैनिकों की अदला बदली, यूक्रेन ने 106 रूसी सैनिकों को छोड़ा। तालिबान सरकार का महिलाओं के लिए नया फरमान, हेरात के पार्क और खुले लॉन वाले रेस्टोरेंट में महिलाओं के जाने पर पाबंदी। तालिबान ने कहा, पार्क और खुले लॉन वाले रेस्टोरेंट में महिलाएं बिना हिजाब के आती हैं, मजहबी नेताओं की शिकायत पर उठाया कदम। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत, दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 विकेट से हराया, आखिरी ओवर में मिली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 212 रनों का दिया था टारगेट, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 विकेट से जीत दर्ज की। एलएसजी के विकेट कीपर निकोलस पूरन ने इस आईपीएल सीजन की सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई, 15 बॉल में जड़ा अर्धशतक। मार्क्स स्टोइनिस ने की विस्फोटक बैटिंग, 30 बॉल में 65 रन बनाए, निकोलस ने 19 बॉल में 62 रन की बाली। निकोलस पूरन ने आईपीएल में 1,000 रन पूरे किए, आरसीबी के खिलाफ खेली आतिशी पारी। बेंगलुरु के 3 बल्लेबाजों ने जड़ी 50, विराट कोहली ने 61,
डुप्लेसिस ने 89 और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रन बनाए। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने आईपीएल में पूरे किए 3500 रन। फाफ ने 27 अर्धशतक भी लगाए। डुप्लेसिस ने जड़ा आईपीएल 2023 का सबसे लंबा सिक्स 115 मीटर लंबा छक्का लगाया। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड। एरोन फिंच से आगे निकले। रोडीज के 19वें सीजन का प्रोमो रिलीज हुआ। रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी गैंग को करेंगे लीड। फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर लॉन्च। सलमान खान के साथ दिखी पूजा हेगड़े। शहनाज गिल 21 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म।